आज हम सब मुजफ्फरपुर जिला के कटरा ब्लॉक ग्राम पतारी पंचायत बगभट्टा में आयल हती, जे काफी बाढ़ग्रस्त इलाका है। यहाँ के किसान दीदी भैया सब बहुत मेहनती हतन, जे धान के खेती भी करे हतन। चलू आज लीला दीदी से मिल के धान के खेती के बारे में कुछ बातचीत कैल जाए और उनका से कुछ समझल जाए। कौन भैया समाचार से? समाचार तो सब ठीके है दीदी। गेल हली है घरे तो बउआ से कहलन कि माय गेल हथिन खेत में धान रोपाई थे, तो वहे जल्दी जल्दी हम झटकई तो अली है कि कहीं रोपनी खत्म ना हो जाए, लेकिन रोपनी तो अभी ना खत्म भेल है। तो खेत में तो रोपनी हुई थी, कोदारी लेकर सबके खपत छी के पानी छोड़ले छी खपत छी। ओ पानी तुरते पटैली? पटैली तुरते खपत छी। अच्छा, तो हम समय से अइली ह। हां समय से ठीके अइली ह। समय से ठीक है दीदी। कदवा कैले रहली ह, कदवा हो गेलै बज्जर। अच्छा, खप ल छी तगा तब रोपनी करबै। ओ कदवा बज्जर हो गेलै ओहि लागी खपै थ? हां ओहि ला खपै छी के, खप ल छी तब रोपनी करबै। अच्छा 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 दीदी, रोपनी तो होबे करता ही, उसे पहले थोड़ा अपन परिचय दे देती तो ठीक रहती। अच्छा ठीक है, दे दे परिचय। नाम है लीला देवी, घर पतारी, थाना कटरा, जिला मुजफ्फरपुर। रोपनी करे से पहले हम खाद के मात्रा बतला दे छी। अच्छा अच्छा, इमे खाद देली है से मात्रा? हां मात्रा। अच्छा ठीक है दीदी, ठीक। भैया 5 कट्ठा खेत रोपे के लेल 5 किलो 700 ग्राम छीट दिली भैया यूरिया खेत में। अच्छा अच्छा, अहाँ कह 5 कट्ठा खेत में धान रोपे के लिए 5 किलो 700 ग्राम यूरिया छीट दिली? छीट दिलिए। अच्छा। DAP 7 किलो 100 ग्राम छीट दिलिए भैया। DAP भी 7 किलो 100 ग्राम छीट लिए? छीट दिलिए। अच्छा। पोटाश 2 किलो 750 ग्राम दे दिलिए है। अच्छा, पोटाशो दिलिए है 2 किलो 750 ग्राम? हाँ। 2 किलो जिंको दिलिए है। अच्छा, 2 किलो जिंको दिलिए है। हाँ ठीक है, तब तो मोटा मोटी सब खाद दिए दिलिए। हाँ दिए दिलिए। माने कदवा में खाद देना भी बड़ा जरूरी हुई है। हाँ। 5 कट्ठा खेत में खाद की मात्रा यूरिया 5 किलो 700 ग्राम, DAP 7 किलो 100 ग्राम, पोटाश 2 किलो 750 ग्राम, जिंक 2 किलो। भैया 6 इंची पर पौधा से पौधा दूरी 6 इंची पर होए के चाहिए। अच्छा, पौधा से पौधा के दूरी 6 इंची होए? 6 इंची होए के। अच्छा ठीक है। लाइन से लाइन दूरी होए के चाहिए 6 इंची के। अच्छा, पौधा से पौधा और लाइन से लाइन के दूरी 6 इंची होए? 6 इंची होए के चाहिए। ठीक है दीदी, समझ। रोपनी कद करे छी भैया? अब रोपनी शुरू करे छी। हां शुरू करे छी का। सहीये रोपा भैया? हाँ हाँ, अब सीखे ली तो हम हूँ ऐसे ही रोपवे करवे। हाँ ऐसे ही रोपा। पेड़ से पेड़ के 6 इंची दूरी है ना भैया? हाँ दीदी, पेड़ से पेड़ के दूरी 6 इंची तो है। देखियो भैया, लाइन से लाइन दूरी 6 इंची के है ना? हाँ दीदी, लाइन से लाइनों के दूरी 6 इंची है। के बिचरा रोपाई है भैया? सवर्णा सवन धान के बिचरा? हाँ, सवर्णा सवन के धान भैया 35 से 40 दिन में रोपाई है भैया। अच्छा अच्छा, सवर्णा सवन धान के बिचरा 35 से 40 दिन के अंदर में रोपा जाए? रोपाई है। अच्छा ठीक। याद रखें,
रोपनी के समय लाइन से लाइन की दूरी 6 इंच होनी चाहिए, बिचड़ा से बिचड़ा की दूरी भी 6 इंच होनी चाहिए। सवर्ना सब वन धान के बिचड़े को 35 से 40 दिन में रोपना चाहिए। अच्छा दीदी, सवर्ना सब वन धान के रोपनी के बारे में इतने कुछ हमरा समझाई लिए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।